दोस्तों स्वागत है आप सभी का। चिड़ियों की इन चहचहाट के बीच कलरव चिड़ियों का जब हम आबादी से दूर होते हैं तभी सुनाई देता है, तो मैं इस तरह से निकल सकता। आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ। इस समय ऐसे होते हैं पहाड़ी रास्ते काफ़ी उतार चढ़ाव वाले, यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ में ये पक्षियों के चहचहाने की आप आवाज़ सुन रहे होंगे जिसको हम लोग कलरव कहते हैं। यह कलरव जब आप आबादी से दूर जाते हैं और ज़्यादा सुनाई देने लगता है, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप में चिड़िया या पशु पक्षी नहीं आते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक कम है तो इस वजह से चिड़ियों के बोलने की आवाज़ सुनाई। अपने इस अनजान सफ़र पर जहाँ से मैं आपको व्यू पॉइंट पर ले चलूँगा और साथ ही कुछ प्राकृतिक नज़ारे दिखाऊँगा, तो इस तरह से मैं निकल पड़ता हूँ अपने शहरी क्षेत्र से। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को पार करते हुए, सीमेंट कंक्रीट के भवनों से पार होते हुए जब हम एकांत जगह पर जाते हैं, इस तरह से कुछ पुरानी संरचनाएं नए फॉर्म में हमें बनी हुई दिखाई दी। जैसे पहले पुराने समय में यहाँ पर नौले होते थे, अब इनको सीमेंटेड कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर नौले पे जाने के लिए पत्थर की बनावट वाले कारीगर उपलब्ध नहीं होते हैं। अपनी यात्रा क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस तरह से आगे चढ़ जाते हैं। दोस्तों इन पहाड़ी रास्तों पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं संरचनाएं भी कमज़ोर होती जाती है। ये जो है आप देख पा रहे पत्थर के खड़ंजे हैं। पहले यही खड़ंजे हमारे यहाँ रोड का काम करते थे, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों की प्रचुरता पाई जाती है। इन पत्थरों में सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं के बराबर होता था, बस गीली मिट्टी से इनको गहराई में दाब दिया जाता था और ये एक जगह पर स्टेबल हो जाते थे। और आज भी ये एक आसान यात्रा का अनुभव कराते हैं। इससे आगे सीसी रोड से हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ पर पत्थर भी कम पड़ने लगे जिस हिसाब से निर्माण कार्य हुआ है, और कुछ खनन सामग्री पर प्रतिबंध लगने से भी सारी डिपेंडेंसी सीमेंट पे हो गई है। अब ज़्यादातर इतने बड़े पत्थर होते भी नहीं है, तो कंक्रीट जिससे घर बनता उसको सीमेंट के साथ मिला करके इस तरह से एक ट्रेल बना दिया जाता है। पक्का ट्रेल होता है और ये काफ़ी मजबूत भी होता है। एक बार सीमेंट पड़ गया तो उसमें घास भी नहीं जम पाती। यहाँ पर पृष्ठभूमि में आपको किसी चिड़िया के बोलने का स्वर सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ कम की है। ये किस चिड़िया की आवाज़ है, अगर आप इसको पहचानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। इसी यात्रा क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम आबादी से दूर बढ़ते जाते हैं तो इन रास्तों की चौड़ाई भी कम होते जाती है। इस तरह से अगर आप ये रास्ते भी घुमावदार हो जाते हैं और कहीं पर सीधे हो जाते हैं जैसे जैसे पहाड़ी की संरचना बदलती है। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इस तरह से लकड़ी को इकट्ठा कर लिया जाता है, क्योंकि आगे आने पर रास्ता इतना पतला हो जाता है कि इसमें गैस की गाड़ी भी नहीं जा पाती है। इसलिए इनकी सारी निर्भरता जो है ईंधन की लकड़ी पर डिपेंड हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे, अगर रास्ता इतना पतला हो जाएगा तो इसमें यातायात भी सुलभ नहीं हो पाता है। तो ये मैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया हूँ, यहाँ से मैं नीचे का व्यू आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से मैं चलते हुए आया था। ये रास्ता पतला है और साथ ही घुमावदार है। सामने झील नगर का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से ये जो आप घर देख रहे हैं ये मैंने मोबाइल से जूम कर रखा है, मे बी शायद पिक्सल की वजह से वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना आए। अब मैं इसको इस तरह से जूम करता हूँ तो बने हुए घर और सरोवर का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है दोस्तों, इसे आप मेरे वीडियो का क्लाइमैक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ से आपको भीमताल और नौकुचिया ताल दोनों झीलें इस तरह से दिखाई देती है। ये नौकुचिया ताल वाली झील है जो थोड़ा दूर है, और ये भीमताल की झील है। अगेन देख लीजिए नौकुचिया ताल वाली और फिर ये भीमताल। इस तरह के व्यू पॉइंट लगभग यूनिक होते हैं जहाँ से आपको दोनों झील दिखाई दे एक इसी स्थान पर। अगला मुझे यहाँ पर कुछ अंजीर दिखे, अभी कच्चे हैं, इसको अंजीर कहते हैं। तिमले का पेड़ है, ये हमारे यहाँ भी होता है और लगभग हमारे ही पड़ोस का ही गांव है, तो वहाँ पर मैं गया हुआ था ब्रह्म भोज में। उसके बाद आसपास के नज़ारों को अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में कैद करते हुए आपकी सेवा में इस तरह से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंजीर का पेड़ है, अभी इसको तिमला कहते हैं हम लोकल भाषा में। इसकी सब्जी बनती है कच्चे अंजीर की, पके अंजीर को खाया जाता है। खाने तक तो कहे बंदर कहाँ रखता है, तोड़ तोड़ के नष्ट कर देता है इसको। फिलहाल जब तक है तो पेड़ में लगी हुई चीज़ एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक नज़ारा प्रस्तुत कर रहा हूँ आपकी सेवा में। तो इस तरह से अपनी आँख से देखने अच्छा वीडियो से देखने में भी कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है।
पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हो चुकी है, टूरिस्ट सीजन अभी आने वाला है, हालांकि घूमने फिरने वाले लोग आ गए हैं, इसलिए एडवेंचर की एक्टिविटी भी चल रही है। इस तरह से रास्ते होते हैं पहाड़ी मार्ग पर, लेकिन इनमें बड़ा संभल कर चलना होता है, अगर आपका एक भी पांव स्लिप हो गया तो दुर्घटना भी हो सकती है। इस गर्मियों में तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, अगर बरसात हो गई तो सीमेंट वाले रास्ते काफ़ी चिकने हो जाते हैं काई जमने से, इसलिए अब इनमें जो है ग्रिप बना दी जाती है। जैसा मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये डंडी नुमा संरचना सीमेंट के ऊपर इसीलिए बनाई जाती है कि पाँव और जूते के बीच में जो है इनसे ग्रिप बन जाती है, अथवा एकदम पाँव नहीं फिसलता है, इसलिए इसका फॉर्मेट जो है खुरदुरा अथवा उसमें बीच बीच में इनको आपको कटिंग पे फॉर्म में मिल जाएगा। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी यात्रा क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ से मैं वापस चले जाता हूँ। ये मुझे कुछ गिराए हुए फल मिले, मे भी शायद बंदरों ने गिराए हो, और कुछ सामग्री भी यहाँ पे मिली, हो सकता है कोई आया हो पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारी भोज्य सामग्री थी, तो ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड एनिमल के द्वारा ही गिराया हुआ फल होंगे। तो अब मैं यहीं से वापस बैक को चला जाता हूँ, और इस तरह से पहाड़ी रास्तों का भी इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों ओर इसमें हरियाली होती है और बीच में रास्ता बना दिया जाता है, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते को भी बीच में काट काट कर रखा जाता है, जैसे कि दरार नुमा संरचना इसमें बनाई जाती है, ताकि अगर आप चलते हैं तो एकदम पाँव अपना ना फिसले। बाइक से वगैरह आ जाती इनमें, लेकिन आगे आने पर बाइक के लायक भी इसमें जगह नहीं बचती, क्योंकि बीच में ये मोटे पेड़ आ जाते हैं। पेड़ भी अलग अलग तरह के थे, झूले नुमा पेड़ मैंने यहाँ पर देखा जो मे भी शायद मालू के पेड़ का था। कुछ प्राकृतिक नज़ारे मुझे देखने के लिए, जो मौसमी फूल जहाँ पर भी पानी टपक अथवा पाइप अथवा अल्टरनेटिव व्यवस्था के द्वारा होम स्टे वगैरह बने हैं, वो उन लोगों ने मेंटेन किया, तो जहाँ पर भी पानी की प्रचुरता होती है तो कुछ न कुछ मौसमी फूल वगैरह खिल ही जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। लगातार सूखे पहाड़ को देखना काफ़ी बोझिल सा होता, हालांकि चिड़िया इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चिड़ियों के कलरों मुझे सुनाई दिया, और अब भी आपको पृष्ठभूमि में सुनाई दे रहा होगा, ये कम है। ये फ्लावर हमारे यहाँ भी होता है, इसका क्या नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा मे भी शायद ये लाल रंग का चलेमेली का फूल है, कुछ बीथू के पत्ते हैं, सेम टू सेम रहता है, हमारा ही पड़ोस का गांव है तो वनस्पतियाँ भी सेम है। जहाँ पर भी पानी की प्रचुरता होती है फल फूल वगैरह खुद ही खिल जाते हैं, इनको कुछ लोग पानी भी डालते हैं, होम स्टे वाले तो मेंटेन किए रहते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा लगता है इस तरह से प्राकृतिक नज़ारों से रूबरू होना। और ये है यहाँ की पेयजल व्यवस्था दोस्तों, यही रबर पाइप ही एकमात्र सहारा होता, परमानेंट पाइप भी नहीं होता। इनमें भी कई बार क्या होता, कैजुअल्टी हो जाती है, अगर आपके जंगल में आग लग गई तो पूरे पानी के पाइप जल जाते हैं, उनको दोबारा फिर लगाया जाता है, और रबर पाइप ही एकमात्र सहारा होता है, क्योंकि आसानी से फ्लेक्सिबल होता है, उठाने में भी हल्के होते हैं। तो मेरी यात्रा इसी तरह से समाप्त होती। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस सेम टू सेम ही वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज का नाम है एमटेक मिथिलेश एजुकेशनल। थैंक्स फॉर स्टेटेलिंग, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव। अगर आज का मेरा ब्लॉग शनिवार 25 मई 2024 का, जब तक कि आपको सर्व होगा तब तक 25 तारीख हो जाएगी, एक दिन तो एडिटिंग में लग। तो ये था फिर आज का मेरा इस तरह से लाइव शेड्यूल, बहुत ही अच्छा रहा।